हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। यूज़र अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यूज़र अकाउंट होता क्या है। जैसे आपके ऑफिस या घर में एक कंप्यूटर या लैपटॉप है और उसे यूज़ करने वाले तीन चार यूज़र हैं, तो आप उस कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट क्रिएट करके उस कंप्यूटर को अलग अलग यूज़र के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। आसान भाषा में हम यह समझें कि कंप्यूटर को अलग अलग हिस्सों या फिर भागों में बांट सकता है। इसमें दो चार यानी कि दो से अधिक जितना चाहे मन उतना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इसका प्रोसेस हम बताते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडोज़ स्टार्ट बटन पर जाना है, कंट्रोल पैनल। ओके, आफ्टर देन यूज़र अकाउंट, इसको हम साइज लार्ज आइकन में हैं और कैटेगरीज एंड स्मॉल, ये तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है, तो मैं भी लार्ज आइकन कर देते हैं। देखिए सबसे नीचे यूज़र अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करेंगे। मैनेज अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे दिख रहा है ऐड ए न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आ रहा है, प्लस का निशान है, ऐड समोन एल सी थ्रू इस पी सी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यूज़र नेम, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, नाम जो मर्जी अपने मनपसंद का नाम रख सकते हैं या फिर जो यूज़र यूज़ कर सकते हैं उसका नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बाला रख देता हूँ। एंड पासवर्ड, पासवर्ड जो मर्जी वो आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। री इंटर पासवर्ड, एंड यहाँ पे हम हिंट देंगे, जो मर्जी वो हिंट दे सकते हैं ताकि हमें याद रहे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ये मेरा रहा हिंट, एंड नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा ये लोकल अकाउंट बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं। चेंज अकाउंट टाइप, यहाँ से फिर अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में रखना है तो स्टैंडर्ड में, लोकल में रखना है तो लोकल, सॉरी लोकल को ही स्टैंडर्ड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर में रखना है तो एडमिनिस्ट्रेटर में रख सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड यानी कि लोकल पासवर्ड। अब इसको आप दिखा, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, इसमें कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। देखिए स्टार्ट बटन, ये रहा मेरा अकाउंट, ये रहा मेरा बाला जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। ओके, उसको ओपन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रोसेसिंग होने में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड इसको डिलीट कैसे करते हैं इसके बाद।